नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने बात की थी मुगल काल की, जिसमें बाबर का प्रारंभिक जीवन और पानीपत युद्ध का हमने जिक्र किया था। उससे संबंधित आपके कुछ सवाल भी आए थे, कमेंट किया था आप लोगों ने, जिसमें कि बाबर का जो राज्याभिषेक है वो किसके द्वारा किया गया था। तो 1494 ईस्वी में जब बाबर के पिता मिर्ज़ा उमर शेख की मृत्यु हो गई थी, उस समय बाबर का जो राज्याभिषेक है वो बाबर की दादी एहसान दौलत बेगम द्वारा किया गया था। बाबर का जो राज्याभिषेक है वो किसके द्वारा किया गया था? बाबर की जो दादी थी एहसान दौलत बेगम, उसके द्वारा इसका राज्याभिषेक किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आया था कि बाबर ने जो मिर्जा उपाधि है उसका त्याग कब किया था। तो जैसे आपको पहले बताया कि इनके नाम से पहले लगने वाला जो मिर्जा था वो इनकी उपाधि थी, और 1507 ईस्वी में बाबर ने इस मिर्जा उपाधि का त्याग किया था। उसको लगा था कि ये जो मिर्जा उपाधि है ये कहीं ना कहीं मेरे रास्ते का रोड़ा बन रही है, ये मेरे को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तो इसने मिर्जा उपाधि का त्याग किया और इसने उपाधि धारण की बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण की। 1507 ईस्वी में बाबर ने जो है मिर्जा उपाधि का त्याग किया और कौन सी उपाधि धारण की? बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है, बाद का अर्थ होता है स्थाई और शाह का अर्थ होता है शासन। तो इसने जो है भारत में स्थाई शासन की स्थापना की थी। इससे पहले दिल्ली सल्तनत काल के जितने भी शासक थे वो सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। ये जो शासक है ये सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। ये खलीफा से एक आदेश पत्र प्राप्त करते थे जिसके अधीन ये दिल्ली पर शासन करते थे, और खलीफा से जो आदेश पत्र इन्हें मिलता था उसे सनद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसे सनद कहा जाता था। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो अभी आपके क्लियर हो चुके हैं। अब बात करते हैं आगे। पानीपत का युद्ध हमारा समाप्त हो गया था, इसके पश्चात बाबर द्वारा जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था खानवा का युद्ध, बाबर द्वारा लड़ा गया दूसरा युद्ध कौन सा था? खानवा का युद्ध, जो कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। खानवा का जो दूसरा युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। इस युद्ध के कारण क्या थे ये जो युद्ध था इसके कारण क्या थे? इसके अंतर्गत पहला जो कारण है कि राणा सांगा पानीपत के युद्ध में बाबर का सहयोग न करके उसने समझौते का उल्लंघन किया था। कि राणा सांगा ने अपना एक दूत बाबर के पास में भेजा था और उससे कहलवाया था कि जिस समय राणा सांगा इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा उसी समय राणा सांगा आगरा पर अधिकार कर लेगा और युद्ध के पश्चात ये जो साम्राज्य है इसको आधा आधा बांट लिया जाएगा। तो पहला कारण क्या था कि पानीपत युद्ध में सहयोग नहीं करके समझौते का
उल्लंघन करना, दूसरा कारण पानीपत के युद्ध के पश्चात जब बाबर की सेना वापस लौट रही थी तो बयाना के निकट राणा सांगा के सैनिकों ने मुगल सेना को देखा और उन पर आक्रमण कर दिया और मुगल सेना जिसका नेतृत्व मेहंदी ख्वाजा कर रहे थे, इस मुगल सेना को राणा सांगा के सैनिकों ने बुरी तरीके से पराजित करके यहां से मार मार कर भगा दिया। तो दूसरा कारण क्या था कि बयाना युद्ध में पराजय का बदला लेना, कि बाबर जो है वो बयाना युद्ध का बदला लेना चाहता था राणा सांगा से। तीसरा जो कारण है कि राणा सांगा और बाबर दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे, दोनों ही दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे और इस समय राणा सांगा की शक्ति का जो विस्तार है वो आगरा की सीमाओं तक हो गया था, जिसके कारण बाबर जो है वो राणा सांगा की शक्ति को नष्ट करना चाहता था। तो ये तीन महत्वपूर्ण कारण थे। तीसरा कारण क्या था, राणा सांगा की शक्ति को नष्ट करना। ये तीन कारण थे खानवा युद्ध के होने के। अब इस युद्ध से पूर्व बाबर ने अपना एक दूत राणा सांगा के पास में भेजा था। इस युद्ध से पूर्व बाबर ने अपना एक दूत किसके पास में भेजा था, राणा सांगा के पास में भेजा था और उससे कहलवाया था कि दिल्ली के जो परगने हैं उन पर बाबर का अधिकार रहेगा। दिल्ली के परगनों पर किसका अधिकार रहेगा, बाबर का अधिकार रहेगा। और बयाना के पास बहने वाली पीली नदी को मुगल और मेवाड़ की सीमा मान लिया जाएगा, कि जो बयाना के पास में जो पीली नदी बहती है बयाना दुर्ग के नजदीक जो पीली नदी बहती है इसको किसकी सीमा मान लिया जाएगा, मुगलों और मेवाड़ की सीमा मान लिया जाएगा। इस नदी को किसकी सीमा मान लिया जाएगा, मुगलों और मेवाड़ राज्य की सीमा मान लिया जाएगा। परंतु राणा का सांगा का एक विश्वासपात्र सेनापति सलेदी तंवर वो इस संधि को नहीं होने देता है, ये जो संधि है इसको नहीं होने देता है और बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध निश्चित हो जाता है। तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के मध्य जो युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। ये जो खानवा का युद्ध है कहां पर हुआ था, खानवा का युद्ध भरतपुर की रूपावास तहसील के नजदीक खानवा के मैदानों में। खानवा कौन से जिले में स्थित है, भरतपुर में, भरतपुर जिले की रूपावास तहसील में इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध से पूर्व राणा सांगा
राजपूतों की एक लुप्त हो चुकी परंपरा, पाती पर्वण का अनुसरण करता है। राणा सांगा जो है वो राजपूतों की एक लुप्त हो चुकी परंपरा पाती पर्वण का अनुसरण करता है। इस परंपरा के अनुसार जो राजपूत शासक है वो अपने अधीन जितने भी सामंत हैं उन सामंतों को एक छत्र के नीचे राजा की ओर से युद्ध करने का निमंत्रण देता है। इस पाती पर्वण नीति के अनुसार जो शासक है, जो राजा है, वो अपने अधीन सामंतों को युद्ध में भाग लेने का निमंत्रण देता है। और इस परंपरा का जो अनुसरण है वो किसके द्वारा किया गया? राणा सांगा के द्वारा किया गया, जिसके अनुसार राणा सांगा की ओर से युद्ध में भाग लेने वाले जो सामंत थे, जिसमें इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई मोहम्मद लोदी, आमेर के कछावा वंश के शासक पृथ्वीराज कछावा, मारवाड़ के राव गांगा का पुत्र, मालदेव, चंदेरी का शासक मैदेनी राय, अशोक परमार, झाला अज्जा, अखेराज दूदा, हसन खां मेवाती और मेड़ता का वीरमदेव इस युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लेते हैं। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इस युद्ध में राणा सांगा की ओर से 7 उच्च कोटि के राजा, 9 सामंत और 104 सरदारों ने भाग लिया था। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राणा सांगा की ओर से 7 उच्च कोटि के राजा, 9 सामंत और 104 सरदारों ने इस युद्ध में भाग लिया था। खानवा के युद्ध से पूर्व बाबर की जो सेना है वो राजपूतों से अत्यधिक भयभीत थी। उन्होंने बयाना युद्ध में राजपूतों का शौर्य देखा था और जब बाबर ने खानवा युद्ध के लिए अपनी सेना को आदेश दिया तो सेना ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो राजपूत हैं ये युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ते, ये मरने मारने के लिए युद्ध लड़ते हैं। तो उसकी जो सेना थी उसमें राजपूतों के प्रति अत्यधिक भय था और इसीलिए सेना ने युद्ध न करने का निश्चय किया था। तो बाबर ने अपनी सेना से कहा कि तुम लोग मेरे शराब पीने से परेशान हो तो मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। और उसी समय उसने अपने जो शराब के प्याले थे वो मंगवाकर तोड़ दिए और उनको गरीबों में बांट दिया। तो सैनिकों ने कहा कि हे बादशाह, तुम चाहे शराब पियो या ना पियो, हम इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। उन सैनिकों ने कहा कि बादशाह, तुम चाहे शराब पियो
या ना पियो, हम इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। तो बाबर ने कहा कि मैं मुगलों पर लगने वाला जो तमगा कर है उसे हटा दूंगा। इस युद्ध में विजय के पश्चात मुगलों पर लगने वाला जो तमगा कर है उसे समाप्त कर दूंगा। तो सैनिकों ने मना कर दिया कि बादशाह तुम चाहे तमगा कर हटाओ या ना हटाओ, हम इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। इसके पश्चात बाबर ने कहा कि युद्ध में विजय के पश्चात मैं प्रत्येक सैनिक को एक सोने का सिक्का दूंगा। युद्ध में विजय के पश्चात प्रत्येक सैनिक को एक सोने का सिक्का दूंगा। तो सैनिकों ने कहा कि युद्ध में मरने के पश्चात सिक्का हमारे किस काम का होगा। इसके पश्चात बाबर ने इस युद्ध को जिहाद युद्ध कहा। उसने अपने सैनिकों से कहा कि तुम लोग कुरान पर हाथ रखकर खुदा की कसम खाओ कि इस युद्ध में या तो विजयी होगे या वीरगति को प्राप्त हो जाओगे। और उसकी सेना में एक नया जोश भर गया और सैनिक युद्ध के लिए तैयार हो गए। 17 मार्च 1527 ईस्वी को भरतपुर की रूपावास तहसील के नज़दीक स्थित खानवा के मैदानों में दोनों सेनाएं आमने सामने थी और सुबह के 9:30 पर ये युद्ध प्रारंभ होता है। प्रथम आक्रमण में जो राजपूत जो सेना है, राणा सांगा की जो सेना है, वो मुगलों को बुरी तरीके से पराजित कर देती है। राणा सांगा की जो सेना है वो मुगलों को पराजित कर देती है। इसके पश्चात बाबर का जो तोपखाना है और जो तुलुगमा युद्ध पद्धति है उससे राजपूत सेना घिर जाती है और राणा सांगा इसमें घायल हो जाते हैं और वहीं पर वो बेहोश हो जाते हैं। तो उसी समय झाला अज्जा द्वारा उनके राज चिन्ह धारण किए जाते हैं और आमेर शासक पृथ्वीराज कछावा और अखेराज दूदा के सहयोग से उन्हें युद्ध मैदान से बाहर भेजा जाता है। उन्हें सबसे पहले बसवा दोसा लेकर जाया जाता है और उसके पश्चात उन्हें कालपी लेकर जाया जाता है जहां पर उनका उपचार होता है। कालपी में होश आने के पश्चात राणा सांगा वापस युद्ध भूमि में जाने की जिद करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक मैं इन मुगलों को जड़ से खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो वहां पर जो राजपूत सरदार थे उनके द्वारा राणा सांगा को विष दे दिया जाता है जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। यदि हम मेवाड़ इतिहास की बात करें तो मेवाड़ इतिहास में उल्लेख मिलता है कि कालपी में होश आने के पश्चात राणा सांगा दोबारा युद्ध भूमि के निकट पहुंच जाते हैं और मांडलगढ़ के निकट मुगल सेना और राणा सांगा के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में राणा सांगा का जो सर है वो मांडलगढ़ में गिर जाता है। उनका जो सर है वो धड़ से अलग हो जाता है और उनका जो धड़ है वो घोड़े पर लड़ता हुआ चामंडिया तालाब के निकट जाकर के वीरगति को प्राप्त होता है। इस युद्ध में राजपूतों की वीरता को देखकर बाबर अत्यधिक प्रभावित होता है कि ये जो राजपूत शासक हैं जो अपनी आन बान और शान के लिए जाने जाते हैं, इनके बारे में इतने दिन तक बाबर ने केवल सुना था, आज उनके शौर्य को इसने अपनी आंखों से देखा था और इससे प्रभावित होकर बाबर जो है वो राणा सांगा की पत्नी कर्मावती या कर्मेती जिससे वह
युद्ध मैदान में मिला था उसे अपनी हिंदू पुत्री कहकर संबोधित करता है। राणा सांगा जो है वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और ये जो युद्ध है ये समाप्त हो जाता है। बाबर द्वारा रानी कर्मावती या कर्मेती को अपनी हिंदू पुत्री के रूप में स्वीकार किया जाता है और उसे मेवाड़ का जो क्षेत्र है वो वापस लौटा देता है। इस युद्ध में राणा सांगा की हार का जो मुख्य कारण है वो राणा सांगा का विश्वास पात्र सेनापति सलहदी तंवर है, जो युद्ध के अंतिम समय में बाबर से जाकर मिल जाता है। युद्ध के अंतिम समय में बाबर से जाकर के मिल जाता है सलहदी तंवर। तो खानवा का जो युद्ध है वो कहाँ लड़ा गया था? भरतपुर की रूपावास तहसील के निकट खानवा के मैदानों में लड़ा गया था। किसके मध्य? राणा सांगा वर्सेस बाबर। राणा सांगा और बाबर के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद या धर्म युद्ध कहा। बाबर ने इस युद्ध को क्या कहा कि ये जिहाद युद्ध है, एक धर्म युद्ध है। और खानवा विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा युद्ध के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा युद्ध जो 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था भरतपुर की रूपावास तहसील के निकट खानवा के मैदानों में, किसके मध्य? राणा सांगा और बाबर के मध्य यह युद्ध हुआ था। युद्ध से पूर्व बाबर ने शराब के प्याले तोड़ दिए, मुगलों पर लगने वाला तमगा कर समाप्त कर दिया और बाबर ने इस युद्ध को जिहाद युद्ध या धर्म युद्ध कहा था। और विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे चलते हैं। फिर इसके पश्चात युद्ध है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 28 जनवरी 1528 ईस्वी को। चंदेरी का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 28 जनवरी 1528 ईस्वी को। किसके मध्य? चंदेरी शासक मेदिनी राय और बाबर के मध्य।
चंदेरी का जो युद्ध है वो किसके मध्य लड़ा गया था? चंदेरी शासक मेदिनी राय और बाबर के मध्य लड़ा गया था। मेदिनी राय जिसने खानवा युद्ध में राणा सांगा का सहयोग किया था, और इस युद्ध से पूर्व भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। इस युद्ध से पूर्व भी बाबर ने कौन सा नारा दिया था? जिहाद या धर्म युद्ध का नारा दिया था। इस युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने राजपूतों की खोपड़ियां एकत्रित करवा के उनकी मीनार चुनवा दी थी। युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने राजपूतों की खोपड़ियों से मीनार चुनवा दी। ये बाबर द्वारा लड़ा गया तीसरा युद्ध था, चंदेरी का युद्ध, जो 28 जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ा गया था, चंदेरी शासक मेदिनी राय और बाबर के मध्य। और इस युद्ध से पूर्व भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। और युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने राजपूतों की खोपड़ियों को एकत्रित करवा के उनकी मीनार चुनवा दी थी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। इसके पश्चात अगला जो युद्ध है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध हुआ था। कहां पर? घाघरा बोले तो घाघरा नदी के किनारे बिहार। घाघरा का जो युद्ध है वो कहां पर हुआ था? बिहार में हुआ था। किसके मध्य? महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई, और बंगाल का शासक नुसरत शाह है। बंगाल शाह है, बंगाल का जो शासक था नुसरत शाह है और मोहम्मद लोदी। और ये जो युद्ध हुआ था किसके मध्य हुआ था? बाबर के मध्य। बाबर ने महमूद लोदी और नुसरत शाह की संयुक्त सेना को पराजित किया था। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस युद्ध से बनता है कि बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों में से जल और थल में लड़ा गया युद्ध कौन सा था? तो जो घाघरा का युद्ध है वो जल और थल दोनों में लड़ा गया था। इस युद्ध में नावों का प्रयोग किया गया था। तो जल और जल व थल में लड़ा जाने वाला युद्ध। इस युद्ध में किसका प्रयोग किया गया था? नावों का प्रयोग
किया गया था। घाघरा युद्ध में नावों का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा ये जो युद्ध है ये बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। बाबर द्वारा लड़ा गया जो अंतिम युद्ध था कौन सा? घाघरा का युद्ध। तो शासक बनने के पश्चात बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। पानीपत का प्रथम युद्ध जिसके दौरान भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी। दूसरा जो युद्ध था खानवा का युद्ध। तीसरा चंदेरी का युद्ध। और चौथा और अंतिम जो युद्ध था वो था घाघरा का युद्ध जो घाघरा नदी के किनारे बिहार में लड़ा गया था 6 मई 1529 को, जिसमें बाबर ने मोहम्मद लोदी और नुसरत शाह की संयुक्त सेना को पराजित किया था। ये जो युद्ध है ये जल व थल दोनों में लड़ा गया था। इस युद्ध में नावों का प्रयोग किया गया था और बाबर के जीवन का ये अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के बाबर के जो युद्ध हैं उनके बारे में एक बताई जाती है कि पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर। पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर। तो प्रथम जो युद्ध था 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा खानवा का जो युद्ध था 1527 ईस्वी, इसके पश्चात चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी। ये बाबर द्वारा लड़े गए 4 महत्वपूर्ण युद्ध थे। इसके पश्चात छब्बीस दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। बाबर को जो है आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। परंतु 2 वर्ष पश्चात बाबर का पुत्र हुमायूं उसे आगरा से निकालकर काबुल स्थित नूरे अफगान बाग जिसे बाग ए बाबर भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? बाग ए बाबर भी कहा जाता है। 2 वर्ष पश्चात आगरा से निकाल करके इसे काबुल स्थित नूरे अफगान बाग में दफनाता है। कि बाबर की अंतिम इच्छा थी कि उसे काबुल स्थित नूरे अफगान बाग में दफनाया जाए। तो 2 वर्ष पश्चात हुमायूं जो है इसे आगरा से निकाल कर काबुल में दफनाता है। इसके पश्चात बाबर को बाग लगवाने का अत्यधिक शौक था। बाबर को बाग लगवाने का अत्यधिक शौक था। 4 बाग पद्धति का जो जनक है वो बाबर को माना जाता है। 4 बाग पद्धति का जनक किसे माना जाता है? बाबर को माना जाता है। 4 बाग कौन से?
इस प्रकार से चारों ओर रास्ता होता है और यहाँ पर बाघ बने हुए रहते हैं। ये जो बाघ लगवाने की जो शैली है इसे चार बाघ शैली कहा जाता है, जिसमें चारों दिशाओं में बाघ लगाए हुए रहते हैं और बीच में यहाँ पर एक अच्छा सा फुहारा या फाउंटेन बना हुआ रहता है। जब आप ताजमहल को देखोगे तो उसके सामने आपको ये जो चार बाघ शैली है ये दिखाई देगी और इसमें नालियों में बहता हुआ पानी मिलेगा। तो चार बाग जो पद्धति है इसका जनक किसे माना जाता है? बाबर को माना जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ताजमहल बना हुआ दिखेगा। इस पद्धति को क्या कहा जाता है? चार बाग पद्धति कहा जाता है, जिसका जनक कौन है? बाबर है। और बाग लगवाने के कारण बाबर को उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट कहा जाता है। बाघ लगवाने के कारण बाबर को क्या कहा जाता है? उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा जाता है। किसे? बाबर को। तो चार बाग जो पद्धति है वो आप लोगों की समझ में आई होगी। इसका जो जनक है वो किसे माना जाता है? बाबर को माना जाता है। और बाग लगवाने के कारण ही बाबर को क्या कहा जाता है? उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं हम आगे। बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी, बाबर की आत्मकथा, जिसे बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी कहा जाता है। बाबर की जो आत्मकथा है जिसे क्या कहा जाता है? बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी कहा जाता है। इसकी जो रचना है वो बाबर ने स्वयं ने की थी। बाबरनामा की जो रचना है वो बाबर ने स्वयं ने की थी और इसकी जो भाषा है, बाबरनामा की जो भाषा है, एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा कौन सी भाषा में लिखी गई थी? कौन सी भाषा में बताओ, दिखा फटाफट कमेंट करो। इसको शेयर करो। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी वो कौन सी भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। हालांकि इसका चार बार फारसी भाषा में और तीन बार अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया गया था। चार बार फारसी भाषा में, दो बार हुमायूं के काल में पायदा खां और जोना खां के द्वारा, एक बार अकबर के काल में अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा और एक बार शाहजहां के काल में मीर तबुलिस तुरबाती द्वारा इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। और इसका जो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद है हेनरी बेवरिज द्वारा किया गया था। तो बाबर की जो आत्मकथा है वो कौन सी भाषा में लिखी हुई है? तुर्की भाषा में लिखी हुई है। और बाबर इसमें किसका वर्णन करता है? बाबरनामा में बाबर इसमें तात्कालीन भारत का वर्णन करता है।
किसका वर्णन करता है? तात्कालीन भारत का वर्णन करता है और भारत की जलवायु का वर्णन करता है। बाबर इसमें भारत की जलवायु का वर्णन करता है और बाबर जो है वो भारत को नदियों का देश बताता है। बाबर भारत को नदियों का देश बताता है। बाबर अपनी आत्मकथा में 5 मुस्लिम राज्य बंगाल, मालवा, दिल्ली, गुजरात और बहमनी राज्यों का वर्णन करता है। 5 मुस्लिम राज्य जिनमें बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी राज्यों का वर्णन करता है। इन 5 मुस्लिम राज्यों का बाबर जो है वो अपनी आत्मकथा बाबरनामा में वर्णन करता है। इसके अलावा बाबर 2 हिंदू राज्यों का वर्णन करता है, मेवाड़ और विजयनगर। 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्यों का जो वर्णन है वो बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी में करता है। और मुगल कालीन इतिहास को जानने का जो सबसे प्रमाणिक जो स्रोत है वो बाबरनामा है, जिसमें कुल 374 पेज और 144 चित्र बने हुए हैं। इसी के साथ में आपका जो बाबर है वो समाप्त होता है। कल के लिए हमारा जो नया टॉपिक होगा हुमायूं। आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।